हमारे मुक्ति नाथ और मान सरोवर के तट पर धुआंधार बर्फ वर्षा कठिन तपश्चर्या इस तपस्या का ही जीव कमी मठ के महंत प्रभावित हुए थे और 1,00,000 रुपए की आमदनी वाले अपने मठ को उनके चरणों में समर्पित कर दिया और अपनी यात्रा में आगे निकल गए। अयोध्या के पास भगवान स्वामी नारायण हर रोज प्रातः 4 बजे सरयू नदी में सरोवर के तट पर धुआंधार बर्फ वर्षा के बीच कठिन तपश्चर्या हुई थी। इस तपस्या का हेतु था जीव कल मात्र। यह भगवान स्वामी नारायण के कल्याणकारी तीर्थ अपने स्वरूप को यथार्थ में व्यस्त है स्वरूप गुरु ज्ञान ज्ञान से इस ज्ञान को दूर करते हैं। समझाते हैं कि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा है, हम शरीर नहीं है। अयोध्या के नित्य हुए दर्शन के लिए मंदिर में करुणा मूर्ति उन्होंने नील सरोवर के किनारे तड़पती हुई मछलियों को अपने नशे से सचेत किया और मछुआरे को अहिंसा की शिक्षा देकर हिंसा में डाल दिया। छोटी सी आयु में ही काशी के पंडितों की विद्वत सभा में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्रह्म पर ब्रह्म के मौलिक तत्व ज्ञान से सभी प्रभावित हुए थे। यहाँ भगवान स्वामी नारायण के दिव्य स्वरूप और उनके बोध प्रद बाल चरित्र का दर्शन है। अन्य वस्त्र के अभाव से दुखी न होने पावे। संप्रदाय के धर्म और उन्होंने अपने गुरु समक्ष जो प्रार्थना की वो इतिहास में अमर और अद्वितीय जैसे और उपवस्त्र को धारण करने वाला भिन्न है घर और उस घर में रह उनका सत्संग करने वाले मुमुक्षु में भी अक्षर ब्रह्म गुरु के गुणों का आविष्कार होता है और वो शास्त्र कथित ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है।
ऐसी स्थिति से संपन्न मनुष्य परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त करता है, परमानंद को प्राप्त करता है, परम मुक्ति को प्राप्त करता है। जो भी मिले उनकी सेवा वो करते हैं। उन्होंने मुक्ति नाथ और मान सरोवर के तट पर धुआंधार बर्फ वर्षा कठिन तपस्या। इस तपस्या का ही था जीव प्राणी मात्र। और मछुआरे को अहिंसा की शिक्षा देकर हिंसा में छोटी सी आयु में ही काशी के पंडितों की विद्वत सभा में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्रह्म पर ब्रह्म के मौलिक तत्व ज्ञान से सभी प्रभावित हुए। आश्चर्यकारी घटना के दर्शन कर मठ के महंत प्रभावित हुए थे और 1,00,000 रुपए की आमदनी वाले अपने मठ को उनके चरणों में समर्पित कर दिया था। वैराग्य मूर्ति उन्होंने उस प्रस्ताव का अस्वीकार किया। अयोध्या में